क्या आपकी किस्मत खराब है, क्या आपकी किस्मत सही है, यह तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यदि आपके पास 5 मिनट का समय है तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आज के वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज के वीडियो में फ्रैंक सेलक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रैंक सेलक का जन्म 1929 में क्रोएशिया में हुआ था। उसने अपनी लाइफ में 7 बार भयानक मौत का सामना किया। इसे वर्ल्ड का लकीस्ट एंड अनलकीस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मैं बात करूं तो वह एक म्यूजिकल टीचर था। पहली भयानक मौत का सामना उसे तब करना पड़ा जब 1962 में वह सर्दियों में ट्रेन से यात्रा कर रहा था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बर्फ होने की वजह से ट्रेन झील में जा गिरी, जिसकी वजह से 17 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन फ्रैंक को बस हाथ में चोट आई। अगली बार जब वह 1963 में प्लेन से यात्रा कर रहा था, विमान अपनी उच्चतम अवस्था में विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से विमान नीचे की ओर आने लगा। तभी फ्रैंक ने विमान की खिड़की खोलकर ऊपर से छलांग लगाई। उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वह उस टाइम घास के एक बहुत ही बड़े गड्ढे में आकर गिरा, जिससे उसको कुछ भी नहीं हुआ और वह वहां से बच निकला। 3 साल बाद 1966 में नदी के किनारे वह एक बस में जा रहा था। अचानक से बस अपना कंट्रोल खो बैठी और वह नदी में गिर गई। लेकिन फिर भी फ्रैंक ने नदी से तैरकर अपनी जान बचाई। अब फ्रैंक को विमान, बस और ट्रेन की यात्रा पर विश्वास होना बंद हो गया। उसके बाद उसने अपनी खुद की कार से यात्रा की। 1970 में वह कार से जा रहा था, अचानक उसकी कार में आग लग गई। कार फुल स्पीड पर चल रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और उसने वहां से छलांग लगाई और बच निकला। 3 साल बाद 1973 में उसकी कार में अचानक से इंजन में फिर से आग लग गई। इस बार सिर्फ उसके बाल जले और इसके अलावा उसे कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद 1995 में एक बस ने इसकी कार को टक्कर मार दी, लेकिन उसे थोड़ी चोट आई, यह फिर भी बच गया। 1 साल बाद 1996 में वह एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया। उस ट्रक के आने की वजह से उसकी कार कंट्रोल खो बैठी। जैसे ही कार का कंट्रोल बिगड़ गया तो कार सीधी सामने खाई में गिर गई। कार जाते जाते गिर गई और यह फिर भी बच गया। यह वहाँ पर एक पेड़ के लटक गया और कार 300 फीट गहरी खाई में कूद गई, जिससे इसकी जान बच गई। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। 2003 में इसका 73rd बर्थडे था। उसके 2 दिन बाद इसने एक लॉटरी लगाई और वह इस लॉटरी को जीत गया। यह लॉटरी लगभग भी, यदि हम अमेरिकन डॉलर में बात करें तो $1 मिलियन के बराबर थी। लेकिन इसने उसके बाद लॉटरी जीतने के बाद अपना एक आलीशान बंगला बनाया और अच्छी गाड़ियां खरीद ली। कुछ दिन बाद इसने अपनी सारी धन दौलत संपत्ति अपने रिश्तेदारों में बांट दी। इसने कहा कि पैसे से हर खुशी नहीं मिलती और अपने पुराने घर में रहने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपकी किस्मत किस तरह की है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे और यह आज भी जिंदा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं आज भी जिनकी किस्मत इतनी ख़राब कह लीजिए चाहे किस्मत अच्छी कह लीजिए। आप क्या करते हैं, परीक्षा में 1-2 बार फेल हो जाते हैं, उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।